और बड़ी खबर आ रही है, आधे घंटे में क्रैच साइट पर हो जाएंगी टीमें, तो इस बात का दावा है। रईसी के हेलीकॉप्टर के करीब पहुंच गई है टीम। ईरानी मीडिया का दावा, बस आधा घंटा और इसके बाद जुल्फा के ताइवाल के पास की लोकेशन है जो बताया जा रहा है। ईरान और अजरबैजान बॉर्डर है जुल्फा, जहां पर जिसके जंगलों में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ये देखिए आपको तस्वीरें नजर आ रही है, बारिश बर्फबारी वहां पर हो रही है और ये दावा किया जा रहा है ईरानी मीडिया की तरफ से कि आधे घंटे में जहां पर क्रैश हुआ है ये हेलीकॉप्टर, क्रैश साइट पर पहुंच जाएगी रेस्क्यू टीम। हालांकि जब तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच जाती तब तक ये भी कहा जा रहा है कि कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। तो देखिए लगातार इस पर हमारी बड़ी खबरें जारी, और देखिए हमारे साथ इसमें और मेरे सहयोगी सुमित झा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख करूंगा। और अभी इससे पहले सुमित मैं आपके पास आऊं, जेके त्रिपाठी सर मैं आपके पास आ रहा हूं, सर जिस तरह के इनपुट सामने आ रहे का दावा इस बात का है कि आधे घंटे में वहां पहुंच जाएगी, जो भी लीड्स मिल रही है उसको अभी ये नहीं कहा जा सकता कि पुख्ता तौर पर है, क्या आपको लग रहा है? देखिए मुझे लग रहा है कि अगर आधे घंटे में टीम पहुंच भी गई, मैं बहुत ज़्यादा निराशावादी दृष्टिकोण नहीं प्रस्तुत करना चाहता, लेकिन आधे घंटे में अगर टीम पहुंच भी गई तो समस्या ये है कि एक दो घंटे की बात तो होती तो ठीक है, 15 घंटे से बर्फबारी हो रही है, उसमें बिना किसी प्रोटेक्शन के वो यात्री, मतलब राष्ट्रपति, उनके विदेश मंत्री और भी, कब तक क्या वो जिंदा बचे रहेंगे, ये बड़ी ये इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। और वैसे भी ये प्रश्न भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब ये पता था कि मौसम इतना ख़राब है तो बजाय हेलीकॉप्टर के जाने के, शायद क्योंकि हेलीकॉप्टर तो बड़े नीचे टेरेन में उड़ता है, शायद वो विमान से आते, रेगुलर विमान से आते, वहाँ से वहाँ की राजधानी से आकर के तेहरान में उतरते। ये ऐसा क्यों किया गया ये तो अब पता लगेगा कि जिसने प्लानिंग की जैसा किया उससे पता लगेगा, लेकिन ये बहुत ही अनयूजुअल बात है, बड़ी विचित्र बात है कि ऐसे मौसम में हेलीकॉप्टर से आने की कोशिश करना, ये बहुत विचित्र बात है और ये संदेह पैदा। बिल्कुल त्रिपाठी सर, यानी कि जो हालात थे उन हालातों के बावजूद भी इब्राहिम रईसी को हेलीकॉप्टर के जरिए भेजना और टेक ऑफ करना, ये कई सवाल भी खड़े करता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति के डिप्टी एग्जीक्यूटिव मोहसिन का बयान सामने आया है, हादसे के बाद दो लोगों से संपर्क हुआ है ये दावा किया जा रहा है, खुदा पर भरोसा है रईसी सलामत होंगे, दो लोगों से संपर्क होने की बात सामने आ रही है अब। और देखिए रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ ये भी आप जान लीजिए और किस जगह पर हुआ है इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश, आपके सामने पूरी जानकारी एक बार। वरजाखन इलाका है, पूर्वी अजरबैजान के बिल्कुल करीब है, यहां पर ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, काफी घना जंगल है जिस जगह पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, और जो हेलीकॉप्टर जिस जगह से गुजरता है अचानक ही इसके गायब होने की खबर सामने आती है, संपर्क टूट जाता है, जो खबर सामने आई कल देर शाम करीब 7:30 बजे का वक्त था जब ऐसी खबर आई, मौसम बेहद खराब था, घना कोहरा था और इसके बाद हार्ड लैंडिंग की गई और हार्ड लैंडिंग के बाद ही हेलीकॉप्टर मिसिंग है, हेलीकॉप्टर के गायब होने की खबर सामने आई है।